नमस्कार, ईटीवी के विशेष प्रोग्राम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे साहेबगंज जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र बरहेट, बोरियो और राजमहल विधानसभा क्षेत्र की। जानेंगे तीनों विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत क्या है, मतदाताओं की परेशानी क्या है और प्रत्याशी किन किन वादों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं विधानसभा क्षेत्र। आदिवासी बहुल बोरियो सीट एसटी के लिए आरक्षित है। यहां से झामुमो के लॉबिन हेमरन मौजूदा विधायक हैं, जबकि 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के ताला मरांडी ने यहां पर कब्जा जमाया था। इस बार भी वे बीजेपी की टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां झामुमो और भाजपा के अलावा जेवीएम भी चुनावी मैदान में डटा है, जबकि कांग्रेस भी यहाँ से किस्मत आजमा रही है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ भी स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन एक बड़ी समस्या है। कोई भी कल कारखाना नहीं होने की वजह से लोग कृषि पर आश्रित हैं। हालांकि सिंचाई का भी यहां कोई इंतजाम नहीं है। अब एक नजर डालते हैं बोरियो विधानसभा सीट पर। बोरियो सीट एसटी के लिए आरक्षित। बोरियो सीट पर कुल प्रत्याशी 11। भाजपा ताला मरांडी, झामुमो लॉबिन हेम्ब्रम, कांग्रेस मंजू स्नेहलता हेम्ब्रम, जेवीएम सूर्य नारायण हासंदा। वोटरों की कुल संख्या 2,33,755। पुरुष वोटरों की संख्या 1,19,983। महिला वोटरों की संख्या 1,13,772। बात अगर बरहेट की करें तो यहां लगातार झामुमो का कब्जा रहा है। जेएमएम के टिकट से विधानसभा पहुंचे हेमलाल मुर्मू इस बार भाजपा के बैनर तले चुनावी मैदान में है, जबकि हेमंत सोरेन बतौर झामुमा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी मोनिका किस्कू को चुनावी अखाड़े में उतारा है। खास बात यह है कि झामुमो में रहते हेमलाल मुर्मू स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन बरहेट में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से लोग पलायन करने को विवश हैं। अब एक नजर डालते हैं बरहेट विधानसभा सीट पर। बरहेट विधानसभा सीट का हाल। बरहेट सीट एसटी के लिए आरक्षित। प्रत्याशियों की कुल संख्या 11। झामुमो हेमंत सोरेन, भाजपा हेमलाल मुर्मू, कांग्रेस मोनिका किस्कू, जेवीएम साइमन माल्टो। वोटरों की कुल संख्या 1,85,679। पुरुष वोटरों की संख्या 93,973। महिला वोटरों की संख्या 91,906। भाजपा ने राजमहल से मौजूदा विधायक अरुण मंडल की जगह अनंत कुमार ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अरुण मंडल इस बार यूपीए प्रत्याशी के तौर पर राजद के टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने कृष्णा महतो को चुनावी मैदान में उतारा है, लिहाजा यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां भी स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन एक बड़ी समस्या है। विकास की रोशनी से कोसों दूर राजमहल में कोई कल कारखाना नहीं है। यहां पर गंगा पुल और रेलवे दोहरीकरण का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना है। राजमहल विधानसभा सीट का हाल। राजमहल सीट अनारक्षित। प्रत्याशियों की कुल संख्या 12। भाजपा अनंत कुमार ओझा, राजद अरुण मंडल, जेवीएम कृष्णा महतो, झामुमो मोहम्मद ताजुद्दीन। वोटरों की कुल संख्या 2,69,734। पुरुष वोटरों की संख्या 1,43,351। महिला वोटरों की संख्या 1,26,383। कुल मिलाकर तीनों विधानसभा सीटों पर एक जैसी ही समस्या है। बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। रोजगार के अभाव में बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसे में साफ है कि साहबगंज की इन तीनों विधानसभा सीटों पर विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट में हमने आपको तीनों विधानसभा क्षेत्र के जमीनी हकीकत को दिखलाया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मतदाताओं से, जानेंगे उनकी राय और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वक्त मतदाताओं के बीच में हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं और जनप्रतिनिधियों ने इनको क्या क्या वादा दिया है। आप बताइए कि कौन कौन से आश्वासन आपको मिले हैं। बरहेट में अभी जो हम लोग सबसे पहले, हम लोग का हॉस्पिटल बहुत खराब स्थिति में है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मतलब बीमारी के लिए, पेशेंट को ले जाने के लिए। दूसरी बात है, यहाँ बिजली जो है ना
24 घंटा में 10 घंटा भी नहीं मिलती है मोटा मोटी, और क्या ना पानी तो बिल्कुल नहीं मिलती है यहाँ पर। हमारे साथ कई मतदाता हैं, उनका दर्द जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आने वाले प्रत्याशियों ने इनको क्या क्या आश्वासन दिया है। क्या उम्मीदें हैं आपको नेताओं से? क्या रहेगा हम लोग का जो कि कष्ट है वो सब पूरा नहीं करता है, खाली बाद में बोल के चल जाता है, उसका बाद में चेहरा नहीं देख पाते हैं। आप बताइए दादा, आपको क्या क्या दिक्कत है अपने ग्रामीण क्षेत्र में? हमको यही कि लाल कार्ड भी नहीं है, बीपीएल में नामो नहीं आता है, सब हम लोग एपीएल हैं, बीपीएल कुछ नहीं है। नेता जी आपको दिखाई देते हैं कभी चुनाव के बाद? नहीं आते, नहीं नहीं आते नहीं। तो आप सुन सकते हैं नेता जी कभी यहाँ चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं। हम अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों का हाल लेते हैं कि उनकी क्या हाल चाल है। हम इस वक्त मतदाताओं के बीच में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषक जो अपने काम में लगे हुए, उनसे बात करते हैं कि उनकी परेशानियां क्या 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 दिक्कत है आपको क्षेत्र में, आप किसानों को? पानियों का दिक्कत है, कुआं का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है। सिंचाई के साधन है यहाँ पे? बहुत कम। क्या क्या और स्कूल कॉलेज अस्पताल के क्या हालात? वो तो अभी ठीक है फिलहाल। ग्रामीण इलाके में सबसे पहला प्रॉब्लम सिंचाई का साधन अगर उपलब्ध हो जाए तो कृषक किसी नेता पर आश्रित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मेन अभाव, और हम लोग चाहते हैं कि जो नेता हमारा सिंचाई का साधन के लिए हमारा सहयोग करेगा, हम सभी ग्रामीण उसी को सहयोग करेंगे। आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग? देखिए, ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है, ये सिद्धू कानू की जन्मस्थली भी है, जिसे लोग यहाँ वीरभूमि भी कहते हैं इसे, और ये शिवगाधि पर्यटक स्थल भी बरहेट विधानसभा में ही पड़ता है। लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि ने हम लोग को छलने का भी काम किया है, कभी भी जितने भी आश्वासन दिए, आगे बार विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने बोला कि बरहेट को अनुमंडल बनाएंगे, उन्होंने अनुमंडल का भी आश्वासन दिए, वो भी कुछ नहीं हो पाया। हम पहुंच चुके हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र, इस समय हमारे साथ मतदाता है। आप बताइए क्या क्या परेशानी है, दिक्कत क्या क्या है? यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग वादा किए थे कि जल मीनार बनेगा, मगर अब तक भी जल मीनार नहीं बना। अभी थोड़े दिन के अंदर में पानी का इतना क्राइसिस हो जाएगा चैत बैसाख में कि दूर दराज से लोग आते हैं पानी लेने के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। यार रोजगार मिल जाता आसानी से, क्या दिक्कत है? लोबिन हमारा हारना ही चाहिए, यहाँ के विधायक विकास के लिए कुछ नहीं किया है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, चापाकल जाना है चापाकल होना चाहिए, जहाँ कुआं नहीं कुआं होना चाहिए, जहाँ हमारे किसान विभाग के आदमी है वहाँ का काम होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, डैम बनना चाहिए, ऐसा विकास का काम होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए। अस्पताल का क्या हाल है इलाके में? यहाँ अस्पताल का अभी लेडीज डॉक्टर का इतना ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अन्ना डॉक्टर सही, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर सही नहीं, और यहाँ पर जितने भी मरीज है यहाँ से तुरंत रेफर करके किसी साहेबगंज या भागलपुर या मालदा, ये सब गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो तड़प के ही मरता है। जन वितरण प्रणाली का क्या हाल है? आसानी से आपको कोटे का सामान मिल जाता है? नहीं मिलता। दिक्कत यहाँ अपना घोटाला कर बोल रहा है जो क्या क्या दिक्कत? दिक्कत हम लोग यहाँ है जो कि मैंने पानी का ज्यादा दिक्कत है, पानी का वितरण प्रणाली से जो राशन या सामग्री जो मिलता आसानी से वो ढंग से किसी को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, महीने में भी नहीं मिलता, दो महीने तीन महीने में एक बार मिलता है, वो भी 10 किलो। और वो भी और क्या क्या परेशानी आप बताइए? परेशानी तो इतना है कि शायद दिन भर बताएं तो नहीं खत्म होगा, यहाँ का कोई भी परेशानी आज से 20 साल से कोई परेशानी खत्म हुआ ही नहीं। और सारा युवाओं की क्या क्या दिक्कत है? युवाओं की यहाँ है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, 20 साल किसी को दिया, 20 साल किसी ने कुछ नहीं किया, 5 साल किसी को दिया उसने भी किसी ने किया, या युवा इस बार चाह रहा कि युवा वोटर की तरफ जा रहा है, और युवा चाह रहा कि युवा कैंडिडेट हम लोग के सामने आना चाहिए। और यहाँ बताइए, आप बताइए कि यहाँ मजदूरी आसानी से काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है? रोजगार तो यहाँ आसानी से नहीं मिलता है, बहुत खोजने के बाद ही मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, गाड़ी घोड़ा भी बहुत कम है, ठीक है, माल भी आता है तो बहुत ऐसा लेबर है कि बहुत काम मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। तो आपने सुना ये बोरियो की जनता है, और ये किसको जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम चलते हैं राजमहल, वहां से भी लोगों का राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत राजमहल विधानसभा क्षेत्र की क्या है। हम इस वक्त राजमहल क्षेत्र में मतदाताओं के साथ हैं, जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या क्या है, क्या क्या यहाँ दिक्कत है। यहाँ की जो मुख्य परेशानी है वो है आवागमन की व्यवस्था। यहाँ पर आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है
तब से जो है आज तक कहीं पर भी आज यहाँ पर जो है ना एक बस स्टैंड है ना कहीं पर आवाज गमन का कोई साधन है। एक जमाने से ये आवाज़ उठ रही है कि जो है गंगा पुल बनेगा, लेकिन जितने भी विधायक यहाँ पे हुए हैं और जितने भी यहाँ पे सांसद आए हैं वो सबों ने लोगों को छलने का काम किया है। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या क्या परेशानी है यहाँ का? नहीं, क्या क्या दिक्कत यहाँ का? नहीं, बाहर के हैं। आप बताइए क्या क्या दिक्कत? मुख्य समस्या यहाँ का सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। धूला, आप निकलिए बाइक लेके, कोई भी ट्रेन लेके, माने कोई भी गाड़ी लेके धूला खाते हुए जाइए। हम लोग क्या क्या दिक्कत? हम लोग हैं यहाँ का जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत से परेशानी होती है, जैसे शिक्षा है, बड़ा बगल में वाहन की चलने की सुविधा नहीं है, सड़क है। आप लोग बताइए क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही है कि यहाँ जो जरूरी है वो हो नहीं रहा, ओवर ब्रिज बनना जरूरी है, गंगा पुल बनना जरूरी है, सब ठगियारा सब आता है, ठक ठक। आप बताइए क्या क्या दिक्कत है? यहाँ बहुत परेशानी है, और यहाँ का नौजवान लड़का का यहाँ पे बेगारी घूमते रहते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। यहाँ का नेता जब इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पर सोचता कि वोट मांगने चले, सब जनता पार्टी से वोट मांग के अपने घर में नोट घुसा लेते हैं। यहाँ आपकी परेशानी है कि अभी तक यहाँ पर मांग करते हैं, यहाँ झूठी काम हो जाते हैं। आज तक यहाँ का गंगा पुल तक नहीं बना है, खाली झूठे आवाज़ देते हैं कि गंगा पुल बना देंगे, वो कर देंगे, साहेबगंज का विकास अच्छा होगा, कुछ नहीं होते हैं। तो आपने तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को सुना, अब बारी है प्रत्याशियों की, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ग्राउंड जीरो से में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ, तो चलिए चलते हैं प्रत्याशियों से उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, इनसे जानते हैं कि इन किस तरीके से मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारा एजेंडा है विकास का, और विकास का जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करना मेरा मिशन है, और इसीलिए इस चुनाव में हम दमदार तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि विकास तभी होगा जब अस्थाई सरकार बनेगी, और अस्थाई सरकार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है, दूसरा कोई पार्टी नहीं दे सकती। आपके सामने हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं, और किस तरीके के टक्कर आप देख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन से हमको यहाँ पर कोई टक्कर नहीं, हमारा टक्कर तो यहाँ कांग्रेस के साथ, और इसीलिए हेमंत सोरेन से टक्कर हमको कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि आदिवासियों का समर्थन हमको जबरदस्त है और बाकी सभी समुदायों का वोट हमको इस बार मिलेगा। भाजपा ने लंबे समय तक शासन किया है, आप भी मंत्री रहे हैं, तो क्यों नहीं विकास हो पाया इस क्षेत्र का? देखिए, विकास तो निश्चित रूप से हुआ है, इसके पहले कहीं कोई विकास नहीं था। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही, अर्जुन मुंडा के टाइम में ही हुआ है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पानी पीने का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सभी विभाग में काम उसी समय हुआ है, लेकिन सरकार गिर जाने से उस काम को हम लोग पूरा अंजाम नहीं दे सके। ये थे भाजपा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू जी। अब हम चलते हैं बोरियो और वहाँ जानेंगे कि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका एजेंडा क्या क्या। हम पहुँच चुके हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि साथ में हैं, इनसे बात करते हैं क्या क्या आप लोगों का एजेंडा है, किन वादों के साथ, किन बातों के साथ मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। हम लोग पूरे विधानसभा में जो अगला जो निकम्मी सरकार काम की है उसको बताते हैं लोगों को, हर रोज़ किडनैपिंग, बलात्कार, जो दुर्घटनाएं सारे प्रखंड में हो रहा है। अभी हाल ही में बरेट में एक कार्यकर्ता का, जो मुन्ना नाम था, उसका किडनैपिंग हुआ और आज तक उसको मिला नहीं। बताइए, जनता ताला मरांडी जी को क्यों वोट दे, क्या ऐसा है? जनता जान रही है कि विकास के नाम पर उनको वोट दे रहा है लोग, और उसके कार्यकाल में जो काम हुआ है
अगला जो विधायक अभी 20 साल से रहा और उसका 5 साल का कार्यकाल में मिलाया जाए तो उसका 20 साल और इसका 5 साल में उससे 10 गुना काम कर चुके हैं ताला मरंडी। इसीलिए कि विकास के नाम पे पूरे विधानसभा पर अभी जो वोट मिल रहा है और यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने ये थे भाजपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि। हम चलते हैं दूसरे प्रत्याशियों के पास, उनका भी हाल जानते हैं। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी है लोबिन हेम्ब्रम, इस वक्त उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या क्या वादा आप लोगों से कर रहे हैं, मतदाताओं की क्या क्या परेशानियाँ देख रहे हैं? ऐसे तो बुनियादी सुविधाएं जो मान लीजिए सड़क बिजली पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हम लोग सारे फुलफिल कर रहे हैं, ऐसी कोई तो समस्या नज़र आ नहीं रहा है। ये ग्रामीण एरिया के और यहाँ पर जो है बोरियो प्रखंड में आपको ग्रामीणों से पता चलेगा कि विधायक को मौका मिलता है 5 साल और तो क्या कीजिएगा? हम लोग जो है इरीगेशन के मामले में, सिंचाई के मामले में और विकास के मामले में जो है जो भी काम अधूरा पड़ा है उस पर हम लोग काम करेंगे। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी है मंजू हेम्ब्रम जी, उनसे बात करते हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आप बताइए कि किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? यहाँ आज तक विकास नहीं हुआ, यहाँ बुनियादी जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, ग्रामीण सड़क नहीं बना, मेन रोड नहीं बना। कैसे मुकाबला करेंगे? एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ मंत्री है अभी मौजूदा सरकार में और कांग्रेस जनाधार खो रही है, तो किस तरीके से आप फाइट कीजिएगा? क्षेत्र में कांग्रेस की जनाधार है, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत रुझान है, लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार वोट दें और यहाँ से विजय बनाएं और यहाँ के मैंने जो आज तक विकास नहीं हुआ है वो विकास का रास्ता खोलें। आपने बोरियो के उम्मीदवारों को सुना, उनके वादों को सुना, अब वक्त है चलते हैं राजमहल और वहाँ से जानेंगे कि वहाँ के जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वो क्या क्या लोगों से वादे कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। इस वक्त हमारे साथ राजमहल के निर्दलीय प्रत्याशी बजरंगी जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी है उनकी, किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके सामने दिग्गज हैं, कांग्रेस टिकट नहीं दिया तब आप निर्दलीय मैदान में उतर गए। ऐसा है कि मेरी तैयारी, अब मेरा आम लोग वही मेरा स्टार प्रचारक है और मेरा 25 वर्षों के सामाजिक सेवा जो काम करते आ रहे हैं, जन समस्याओं के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ? जैसे यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है जो शहर के लिए, तो खास करके खास महल की समस्या, ग्रामीण में अभी तक सर्वे आज़ादी के बाद सर्वे नहीं हुआ, और आपका बिजली की समस्या है, शहर में नाली और पेयजल की समस्या बहुत ज्वलंत समस्या है, दूसरी चीज़ है कि दुनिया के सबसे राजमहल विधानसभा में सबसे खराब सड़कें राजमहल विधानसभा में हैं, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि एकदम फेल रहे, कहीं से कोई काम नहीं हुआ, नहीं कहीं विकास के काम हुआ है, वैसी स्थिति में आम लोग बदलाव के मूड में हैं और तमाम लोगों का समर्थन, अन्य पार्टी के तमाम लोगों पार्टी का समर्थन मिल रहा, आम लोगों का समर्थन मिल रहा मुझे। ये थे बजरंगी जी, अब हम चलते हैं किसी और प्रत्याशी के पास और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। राजमहल से भाजपा प्रत्याशी आनंद ओझा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मतदाताओं के बीच किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आप रख रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो हमारे सामने स्पष्ट है कि 67 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, 14 साल हो गए इस राज्य को अलग हुए, ये साहेबगंज की माटी को देखिए आप, राजमहल की माटी को देखिए आप, ये आज एक साहेबगंज जिला के लोग गंगा पुल के लोग तरस रहे हैं, आज तक गंगा पुल 14 सालों में नहीं बन पाया, जो कि यहाँ बहुप्रतीक्षित भी मांग था, साहेबगंज में खास महल का मुद्दा बहुप्रतीक्षित मांग था, राजमहल में कॉलेज तक नहीं बन पाया, लोगों को आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लोग विवश है, तो ऐसे ही मुद्दे जो आम जनमानस के मन को छूता है, आम जनमानस को जिसकी जरूरत है, और एक युवा होने के नाते और नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास की राजनीति प्रारंभ किया है उसके कारण लोगों को भरोसा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही झारखंड का भला हो सकता है और युवा नेतृत्व ही झारखंड का भला कर सकता है, युवा नेतृत्व ही राजमहल विकास का भला कर सकता है, केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का आसार है, हमारे यहाँ राजमहल से भी कमल खिलेगा तब हमारी वो विकास की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। ये थे अनंत ओझा जी जो विकास की बातें कर रहे थे, हमने आपको तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को सुनाया, जमीनी हकीकत दिखाई, और वक्त हो चला है इजाजत लेने का, अगले एपिसोड में फिर किसी नए विधानसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।